देखिए, एमए का सोशियोलॉजी का पेपर है। मैंने आपको तीनों पेपर एक ही में बता दूंगा। देखिए, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड है। देखिए, एकदम जैसे बीए में पेपर दिए थे आप, एकदम वैसा ही है, बस खाली क्वेश्चन बदला हुआ है। उसके वजह से देखिए, एमए फाइनल एग्जामिनेशन 2022 सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर, कंटेम्प्रेरी सोशियोलॉजी थ्योरी, ये पेपर का नाम है, ये आप याद रखेंगे। बाकी ये नोट दिया है, सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्न को उत्तर दीजिए। ये इंग्लिश में लिखा है, ये हिंदी में लिखा है। तो देखिए, इंग्लिश में लिखा अति लघु उत्तरी, इंग्लिश में हिंदी में देखिए, ये देखिए मेन पॉइंट देखिए, इन प्रश्नों के सभी भागों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक भाग 2 अंकों का है, ठीक ना। 2 × 10 10 क्वेश्चन है, 2 नंबर का 20 नंबर आपको मिलेगा। तो देखिए, पहला पेपर का दिखा दें आपको। ये देखिए, व्हाट इज कॉन्सेप्ट, मतलब अवधारणा क्या है, पहला है। दूसरा है सिद्धांत के निर्माण तत्वों के नाम लिखिए, और तीसरा है प्रकट कार्य क्या है। अगर आप पढ़े हैं तो एकदम मजेदार क्वेश्चन पूछा है, छोटा छोटा। पार्सन्स द्वारा दिए गए कार्यात्मक पूर्ण आवश्यकताओं की सूची बनाइए। फिर उसके बाद है वैचारिक क्या है, वैचारिकी क्या है, आदर्श शून्यता क्या है, संधि रचना क्या है। उसके बाद आपको देखिए, मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत की रेखाओं का उल्लेख कीजिए। मध्य क्षेत्रीय सिद्धांत की रेखाओं का उल्लेख कीजिए। देखिए, दसवां है, दसवां में करा व्हाट इज डिफिनेशन कल्चर। देखिए, भावात्मक संस्कृति क्या है, संस्कृत विलंबना क्या है, 10 क्वेश्चन हो गया। दूध लाइन के लिखवा लगन धरता 20 नंबर तैयार। सेक्शन बी आ गया है, खंड ब लघु उत्तरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए, आल अटेम्प्ट क्वेश्चन गिव द आंसर, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, 5 क्वेश्चन है 10 नंबर का, 50 नंबर मिलेगा आपको। 5 क्वेश्चन करेंगे, इसमें 6 क्वेश्चन दिया रहता है, अथवा करके 1 क्वेश्चन का 2 क्वेश्चन दिया रहेगा, अथवा करके आपको देना। देखिए, रेडिल क्लिफ ब्राउन के कार्य प्रकार्यवादी दृष्टिकोणों की व्याख्या कीजिए, अथवा है सामाजिक सावयव से आप क्या समझते हैं। पीटीओ आप भी लिखेंगे, कापी वगैरह तो लिखेंगे आप भी, पीटीओ प्लीज टर्न ओवर। देखिए, चौथा क्वेश्चन है, दुर्खिम के धर्म के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। दुर्खिम के धर्म के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। व्हाट आर द बेसिक, अथवा अंग्रेजी ना बोलो, ज्ञान के समाजशास्त्र की आधारभूत मान्यताएं क्या हैं। देखिए, बृहद समाजशास्त्री विश्लेषण की अवधारणाएं की संख्या कीजिए, अथवा संघर्ष सिद्धांत में कार्ल मार्क्स के योगदान की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, हेराल्ड गार्फिकेले के लोक विधि विज्ञान के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अथवा पांचवा का अथवा है, कह रहा है टालकाय पार्सन्स के सामाजिक क्रिया सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। देखिए, छठवां आ गया है, डेविस तथा मूरे द्वारा प्रस्तुत सामाजिक तरीकरण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, अथवा है संदर्भ समूह की परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। ये सब पढ़ने वालों को एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम धड़धड़ा के लिखवा लूंगा।
पेज में लिखवा हो जाए। सेक्शन सी खंड स है, देखिए सेक्शन सी है खंड स, कह रहा है दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, दो क्वेश्चन है 15 नंबर का, 15 दूनी 30 मिले, 50 30 80 20 का। देखिए हिंदी में कहा था, वहाँ अंग्रेजी में लिखा था, यहाँ हिंदी में लिख रहा है कि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। देखिए सातवां पहला सातवां है मर्टन के प्रकार्यवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, आठवां है मैक्स वेबर की सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत की विवेचना कीजिए, नौवां है प्रतीकात्मक अंतः प्रक्रिया क्या है, प्रतीकात्मक अंतः प्रक्रियावाद में मीड के योगदान का परीक्षण कीजिए, दसवां है डाइरेडाफाइट के संघर्ष सिद्धांत का परीक्षण कीजिए। अब देखिए ग्यारहवां है, ग्यारहवां में क्या कह रहा है, धर्म का समाज शास्त्र क्या है, धर्म के समाज शास्त्र में मैक्स वेबर के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अब देखिए ये पहला पेपर हो गया, आपको हम दिखाते हैं सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर हो गया, ये देखिए ये आ गया आपका सेकंड पेपर, एक ही में बना रहे हैं वीडियो भाई, बार बार अपलोड लिखना ये सब समझ में नहीं आता, आपको चाहिए तो एक ही में देखिए। देखिए पेपर नाम है, ये कोड है आपका, एम ए फाइनल है सोशियोलॉजी सेकंड पेपर, रूलर सोशियोलॉजी एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये पेपर का नाम है, आप लोग इसको याद रखेंगे अगर प्रैक्टिकल होता है तो। सभी खंडों के विचार निर्देशानुसार प्रश्नों को उत्तर दीजिए, खंड अ है, देखिए अति लघु उत्तरी 2×10 वैसा है जैसे पहला में था एकदम वैसा है, बस क्वेश्चन का नाम देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम सेम टू सेम है, तड़ातड़ हम आपको दिखा दे रहे हैं। इन सभी प्रश्नों के भागों को उत्तर दिए गए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए, प्रत्येक भाग 2 अंकों का है। देखिए ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, ग्रामीण का जीवन का है उसको परिभाषित करना है, लघु परंपरा से आप क्या समझते हैं, दो नंबर का है, तीसरा है ए राजस्थान विलेज का लेखक कौन है, प्रभु जाति से आप क्या समझते हैं, प्रभु जाति से आप क्या समझते हैं, यह है संयुक्त परिवार की परिभाषा कीजिए, उसके बाद है जाति को परिभाषित कीजिए, हरित क्रांति का जनक कौन है, देखिए हरित क्रांति का जनक कौन है, इसके बाद है वि संस्कृत किसे कहते हैं, वि संस्कृत किसे संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, ग्राम सभा किसे कहते हैं, सामुदायिक विकास का अर्थ क्या है, चुनाव लड़े थे तो सामाजिक विज्ञान पढ़ ला। सिलेक्शन बी सेक्शन बी खंड ब देखिए उसमें वही दिया है कि 5 क्वेश्चन 10 नंबर एकदम वही से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट दिखा रहे हैं, आपको भी इजी होगा, वीडियो भी थोड़ी छोटी बनेगी। क्या ग्रामीण समाजशास्त्र एक विज्ञान है, दूसरा क्वेश्चन है 10 नंबर का है, अथवा ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की चर्चा कीजिए, तीसरा है लोक संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, अथवा है संस्कृत की विशेषताएं क्या हैं, चौथा है ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमानों का वर्णन कीजिए, अथवा भारतीय ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं की चर्चा कीजिए, सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ये पेपर ऐसा लगा था कि बिना पढ़ले जो है लाभ एम जी रहा था धरधर धरधर उत्तर दे दी, हमके लिखे रहे तो बताओ थे कि फाड़ी देती कपिया पूरा लिख कर लिख, अथवा
लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा के अंतर स्पष्ट कीजिए। कृषक समाज की आधारभूत विशेषताएं क्या हैं, अथवा भारत में ग्रामीण सामाजिक स्तरीकरण के मुख्य तत्वों को समझाइए। देखिए खंड ख में हुआ 15 मार्क, 15 गुणे वही कह रहा है। देखिए भैया आपके लिए इतनी मेहनत करके पेपर लाए हैं और आप लोग लाइक क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। किन्हीं तो प्रश्न को उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। 2 गुणे 15, देखिए 7वां है, पहले 7वां देख लीजिए। भारतीय ग्रामीण सामाजिक रचना की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। 8वां है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। एकदम जोरदार प्रश्न। 9वां है, ग्रामीण पुनर्निर्माण में पंचायतों के महत्व को स्पष्ट कीजिए। 10वां है, संयुक्त परिवार की संरचना एवं का प्रकारों के होने वाले परिवर्तन की चर्चा कीजिए। 11वां देख लीजिए, 11वां देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता आंदोलन की प्रासंगिकता को समझाइए। एकदम गज के दुआ पेपर है, पेपर देखा थर्ड हो गए, अब पेपर थर्ड, पेपर सेकंड खत्म, पेपर तीसरा देखिए। पेपर नाम यही है 2022 में आया लल भाई कॉलेज में से निकल बोले यूनिवर्सिटी से पेपर देखा। सोशियोलॉजी थर्ड पेपर, अर्बन सोशियोलॉजी, अर्बन मतलब क्या, खान पीन हुई कुछ। देखिए ना सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। वही सब है, बस आपको प्रश्न दिखा दे रहा हूँ कौन कौन प्रश्न है, तो आप पढ़े रहेंगे तो आप बताइए प्रश्न आ जाए। अब इसे यही आता भी है आपको बता रहा हूँ। तीसरा पेपर है, चलिए देखिए, नागरी समाजशास्त्र क्या है, पहला हो गया। 2 नंबर का नागरी तात्पर्य क्या है, नागरवाद की परिभाषा दीजिए। नगर योजना क्या है, नागरी संस्कृति की अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। नागरी परिवार की विशेषताएं बताइए। नागरी परिवेश के वर्ग का वर्णन कीजिए। नागरी समाज का स्तरीकरण, नागरी समाज का स्तरीकरण के आधार लिखिए। देखिए प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, बस नागरी जीवन की समस्याएं को स्पष्ट करें। परिस्थिति क्या है, खंड ब सेक्शन ब लघु उत्तरी, देखिए यह दिया है। दूसरा है 15 10 गुणे 5, 10 नंबर वाला आ गया है। देखिए प्रश्न दिया है, नागरी समाजशास्त्री की विषय वस्तु की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन का 8वां, दूसरा नंबर का 8वां देखिए। अब वैसे आज जैसे बीए में आप पेपर दिए थे एकदम वैसे एमए का भी है। नागरी जनसंख्या एवं एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। इतनी सस्ता बना दिया है पेपर कि बहुत गुस्सा वाली थी यूनिवर्सिटी में। थोड़ा कठिन बनाना चाहिए कि पेपर देने में मजा आए, पढ़ने में मजा आए। नागरी समाजशास्त्री सामाजिक संरचना का वर्णन कीजिए। उसके बाद मानव जीवन पर नगरों के सामाजिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। 4वां है, भिक्षावृत्ति मुख्यतः एक नगरी समस्या है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। और अथवा देख लीजिए, नागरी समाज में धार्मिक विश्वासों की व्याख्या कीजिए। देखिए 5वां है, नगरों में ग्रामीण जनसंख्या के प्रवजन के कारणों की विवेचना कीजिए। औद्योगिकरण एवं नागरीकरण के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। नगरीय विघटन की अवधारणाएं स्पष्ट कीजिए। नगर नियोजन का महत्व स्पष्ट करें। सेक्शन सी स देखिए आ गया, वही 15 नंबर वाला अब आ गया। 2 क्वेश्चन को उत्तर देना है, 4 क्वेश्चन दिया है, 2 2 4 5 क्वेश्चन दिया, जिसमें से 2 को आपको करना है एकदम गज के जाके। नागरी समाजशास्त्र की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। 7वां है, क्वेश्चन नंबर 7 का, नागरी समाजशास्त्र प्रकृति के विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। 8वां है, नागरी समाज में
अपराध के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। नौवां है, भारतीय संदर्भ में ग्रामीण नागरी सात्यत्व की अवधारणाओं की विवेचना कीजिए। दसवां है, नागरी मनोरंजन की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। ग्यारहवां है, नागरी भारत में पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी कारणों को स्पष्ट कीजिए। ग्यारह, अगर आपको दिक्कत है तो वीडियो स्लो कर लिया लोगों, स्लो करके देखिएगा, और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछिएगा, और कोई मदद नहीं हो पाएगी भैया, बस देख लीजिए। आप लोग पढ़ते हैं, आपको मालूम होगा कितना पेपर होता है। कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा।